सत श्री अकाल सारा दा, एक बार फिर तो मेरे चैनल उत्ते। तो बई अज का चै मतलब कि टॉपिक लेके आए हैं क्यू कार्ड। तो पहली गल रीडिंग राइटिंग लिसनिंग इतने भी वीडियोज़ आ रहे हैं, थोड़ी देर यार वेट करो क्योंकि मेरा भी थोड़ा बिजी थी थोड़ा जो करके वीडियो ना मैं डे बाय डे ही पा रहा, हर एक मेड्यूल पर पा रहा, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो उन्हें मैं एक वीडियो हूँ लेटैसट आऊगी, इस तो पहले ही आजगी, तो आऊगी बई रीडिंग से फोकस किमें करिए उत्ते बनावे। चलो ठीक है, असी टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर वीडियो नू शुरू करते हैं। चलो क्यू कार्ड के उत्ते बनावे अच्छ कि मैं बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि भाई क्यू कार्ड नू एक्सपेंड किमें करिए, क्यू कार्ड नहीं बनता सर की करिए। पहला देखो एक इंपोर्टेंट ईडियम जिहड़े असी की स्पीकिंग दे विच यूज करने, मैं ईडियम लिखा रहा अच्छा तुहानू इंपोर्टेंट, पहला ईडियम देख लो स्पीकिंग ईडियम्स। अज सिर्फ तुहानू स्पीकिंग दे विच ईडियम्स लिखाऊंगा, ये छोटी जी वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ईडियम्स के उत्ते ही, स्पीकिंग दी ईडियम्स, क्यों ये बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंपोर्टेंट असेंशली जो भी तुम समझ आता वो नहीं, ठीक है। ये आते ही आते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनावे अज नहीं, सिर्फ ईडियम्स के जो स्पीकिंग तुम बोलने ने जिदे ते बैंड स्कोर बूस्ट हो जाएंगे। बूस्ट मतलब जो ते सिक्स आ रहे हैं ये जे एक या दो ऐड कर लूँगे ते 6.5 तो 7 ईजली हो सकते हैं। मैं रिमैंबर आ जो मेरे स्पीकिंग जो 7 आए थे मैं ईडियम 3 यूज़ किए थे, 6.5 मेरे आए थे उदो मैं ईडियम आई थिंक सो 1 यूज़ किया, ये कोई भी नहीं यूज़ किया, ठीक है। सॉरी फॉर दैट यार, बच्चे रो रहे मैं पता नहीं की चक्कर, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो में शुरू करते हैं। नैक्सट आप फस्ट वन है कप ऑफ TEAT, ठीक है। ये बेसिकली बहुत ही इंपोर्टेंट आ, बहुत ही ज़्यादा यूज हों, ठीक है। ये आप एड कर वेट ए सैकेंड, ठीक है। कप ऑफ टी, सॉरी फॉर दैट, बहुत ज़्यादा नॉइज से उस करके यार थोड़ा मैं वीडियो पॉज की, ये है माई FRAEND फ्रेंड सुखजीत, ठीक है। सुखजीत मेरा फ्रेंड है जो हूँ कैनेडा बैठा है, ठीक है। सुखजीत लव्स गोल्फ बट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। मैनू नहीं वो पसंद पर वो लव करता है गोल्फ नू, इंजॉय करता खेडने लिए, ठीक है। और है कि आंदा आ जिवें एक होर एग्जाम्पल मैं तुहानू ऐड करांदा, आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश बट आई डोंट लाइक मैथ, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। होर दस दिंदा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी बट सिंगिंग इज़ नॉट रियली माई कप ऑफ टी, ठीक है। हुण जिहड़ा इंपोर्टेंट होर आ ONCE इन ए ब्लू मून, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट आ, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल आ, इनू यूज़ करते ने हर बंदे। माई FRIEND फ्रेंड गैट 99% मार्क्स इन मैथ टेस्ट, मतलब एक बारी ही उन्हें लिया, वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है। सैकेंड जिहड़ा तुसी बहुत इहदे विच कह सकते हैं, आई वन मलेशिया ट्रिप वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है। नेक्स्ट वन PIECE पीस ऑफ केक, बहुत क्रूशियल आ, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट आ, ये तुसी रट्टे लगा लियो। प्लेइंग पबजी, मैं कैपिटल च तां देख रहा कि स्पैलिंग तुहानू समझ आ जाए, प्ले पबजी गेम विल बी मतलब बहुत आसान आ उन्हूं खेडना, पीस ऑफ केक आसान तो नहीं हैगी, ठीक है ना। अगे ड्राइव ए कार विल बी ए पीस ऑफ केक फॉर मी, ये एग्जाम्पल दसी, ठीक है। हुण अगे आ गया ओबर दी मून, ठीक है। ओवर द मून, ये आप कह सकते आई वॉज ओवर द मून वैन आई गॉट न्यू फोन, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुशी कंट्रोल नहीं कर सकिया। आई वॉज ओवर द
मून वैन आई गॉट न्यू आईफोन 30 प्रो मैक्स रेली यार हर कोई हो जूगा ओवर द मून ही चल जूगा ठीक है अगे माई फ्रेंड वॉज ओवर द मून वैन ही ओबटेन्ड फुल मार्क्स इन मैथ आप इनू भी कह सकते हैं ठीक है हूँ अगे सकता है मैं भी लिखा सी बोलिया सी ऑल सॉरी सॉरी फॉर दैट ऑल नॉट ऑल पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट ठीक है ये आप कह सकते हैं आई टेल माई फ्रेंड डू नॉट पुट ऑल सॉरी पेन खत्म हो गया कल ले आवेंगे नवा ऑल योर ऑल ई डबल जी एग्स इन वन बास्केट यू शुड इतने एल लाना ठीक है फिर ना क्यों सर शुड दे स्पेलिंग गलत आ तुसी भाई अपना फल देखो बिचो फल दिना देखो की है अप्लाई टू लॉट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ठीक है ये की है आई टैल माई फ्रेंड डोंट पुट ऑल यूर एग मतलब कि सारे एफर्ट्स एक विच ना पुट कर इन वन बास्केट में एक यूनिवर्सिटी ना पुट कर यू शुड अपलाई लॉट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी मेरे को होर ज्यादा अपॉर्चुनिटी एज आ डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अपलाई करने लई ठीक है हम अगला कह दें एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स ठीक है यदा मीनस आ जोड़े लोग बोलते रहेंगे आ पर करते कुछ नहीं इस करके उन्होंने कुछ करना चाहिए बोलने तो सिवा मीनस लॉट्स ऑफ पीपल कह दो या इंडिविजुअल कह दो हैव ग्रेट बिजनेस आइडिया बट डू नथिंग एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ठीक है कि लोगों को बहुत सारे आइडिया तो करते कुछ नहीं वर्ड जस्ट डू इट ओके दैट्स इट हूँ अगे कह देंगे मिस द बोट मिस द बोट ये की कहना है कि जिहड़ी चीज़ नूं मिस कर दिता माई फ्रेंड ट्रक कितों आ गया सेंट हिज एप्लीकेशन लेट एंड I think he missed the boat. That's it. Okay, don't judge a book by its cover. मैं यदि तुम दे एग्जाम्पल दस दूंगा ठीक है इन मैं लिखने की तो लोड़ नहीं Do not judge a book by ये भी मैं बोलिया सी भाइयो इट्स तीन बोले सके तो सैवन बैंड कुछ ले सी मैं ये कि आप इदा कह सकते हैं कि वी नो नीड टू जज एनी मतलब कि वी जिदा कोई बंदा आदेश आपू बोल सकते हैं कि ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड परसन सो
डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मतलब आप कहते हैं ना दिस गाय बेवकूफ, आप नहीं ही इज़ ए टैलेंटेड परसन, नो नीड, मतलब कि उन्हें बिना समझे ना बिना किते किसी की होर की गल सुन के उन्हें जज नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है। वो वाली चीज़ है फुल ऑफ दीस। देखो मैं लेट भी हो रहा पर फिर भी मैं वीडियो बनानी जरूरी समझी कि ये चीज़ भी थानू पता होनी चाहिए आ। सिक्स जेयर, सॉरी फॉर दैट, जेयर आना कला ओल्ड एस नहीं है फिर ना कि सर एस लगाती, यर ओल्ड नेफ्यू इज फुल ऑफ बीन्स, ठीक है। ही हैज मोर, मैं तेज तेज ना लिख रहा क्योंकि यार लेट हो रहा थोड़ा, एनर्जी देन थ्री अडल्ट, ठीक है। उस मोर एनर्जी है एज कंपेयर टू द थ्री अडल्ट। ओके देखो ताे को किन्ने सिनोनिम हो गए, सॉरी फॉर सिनोनिम ईडियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये 9 सिनोनिम ने, अपना स्पीकिंग बैंड स्कोर बूस्ट कर सकते हो, जिन्हों का डिजायर बैंड जोड़े चाहते हैं आ वाले डिजायर बैंडा लैना चाहते हैं वो सिनोनिम यूज़ करो, जेड़े तो बैंड 6 6 6 6 में चाहते हैं उन्होंने ईडियम यूज़ करने की लड़ नहीं, सिर्फ सिनोनिम तो बोकैब यूज़ कर सकते हैं। पर जेड़े देखो बोकैब, मैं तुम्हें फंडा दस दिना, बोकैब बोकैबलरी प्लस सिनोनिम, वो आ बैंड स्कोर आऊगा, बोकैब प्लस सिनोनिम प्लस ईडियम, वो बैंड स्कोर ए आऊगा। ए डिफरेंस आ वाई पीपल नॉट गैट देयर डिजायर्ड बैंड बिकॉज वाई दे गैट सिक्स बैंड एंड ऑलवेज इन स्पीकिंग सिक्स सिक्स वाई जस्ट स्टक ऑन द सिक्स बैंड बिकॉज दे नॉट प्रैक्टिस, यू नो दे ओनली प्रैक्टिस फॉर वोकैब एंड सिनोनिम, दे नॉट प्रैक्टिस ईडियम। ईडियम इज मोस्ट क्रूशियल, इट्स हेल्प टू बूस्ट योर स्पीकिंग मार्क्स, स्पीकिंग मार्क्स नूं बूस्ट करन लई बहुत ज़्यादा ईडियम इंपॉर्टेंट है। तो जिहड़े मैं तुहानूं लिखाए ने बेसिकली यूज़ हुंदे ही ने, आपां जिहड़े नॉर्मली टॉक करदे आ, इह किद्दां तुसीं यूज़ कर सकते हैं जिले तुसीं किसी फ्रेंड या किसी भी टीचर दे नाल गल करदे आ ना, जे अपने उत्थे अपने इंटरव्यू दे रहे हो इंस्टीट्यूट दे विच तां इह ईडियम यूज़ करो यार। फॉर एग्जाम्पल आई रिमैंबर दैट माई फ्रेंड सेंड इज एप्लीकेशन, सेम ही बोल दो, सेंड इज एप्लीकेशन टू द ऑफिस, आई थिंक ही मिस द बोट बिकॉज आफ्टर दैट ही नॉट गैट रिजल्ट। ओके एक्शन स्पीक लाउडर, आई रिमेंबर दैट माई फ्रेंड हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेट आइडियाज बट ही डू नथिंग, एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड, जस्ट डू इट, ठीक है। जेडे मेनली बहुत ज़्यादा यूज होंगे आ, 1 2 3 4, ये 4 ने मोस्ट क्रूशियल क्रूशियल इंपॉर्टेंट असेंशियली वट एवर करो, इन्हों यूज करो, बैंड स्कोर इनक्रीज हो गए। 6 वाले हो 6.5 तो आओ यार, इतने मारो जंप, ठीक है, इतने तक जाओ। हूँ तुम कहोगे कि 8 कि आते हैं, तो 8.5 कि आते हैं, तो 9 कि उन्हों के आते हैं जिन्हों के 0 ग्रामैटिकल एरर्स होंगे ने प्लस आ वाली सारी चीज़ होंगी है, ठीक है। ये ग्रामैटिकल एरर्स कोई नो प्रॉब्लम, ये ग्रामैटिकल एरर नो प्रॉब्लम, ईडियम मिसिंग आता करके 6 आए, ये चीज़ा तुम ऐड करो, ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ फाइनल एग्जाम 2 तो बाद ईडियम यूज़ ना करो, ठीक है। ये ना हो कि क्वेश्चन कुछ और पूछा तुम कह रहे हो इट्स ओनली अ कप ऑफ टी, पता ही नहीं बोलना की आ, वंस इन ए ब्लू मून अगे की बोलना, स्टक हो गए, ये चीज़ गलती ना करो। चलो आज की वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 11-12 मिनट की वीडियो होगी, तो आई थिंक सो तुम्हें वधिया लगेगी। स्पीकिंग के उत्ते मैं एक अलग तो वीडियो बनाऊंगा कॉन्फिडेंस इनक्रीज करने वाली, ऑलरेडी मैं एक पा चुका है, एक होर दसूंगा कि क्यू कार्ड को किवें एक्सपैंड करके लिखिए, चंगी तरह ईजली एक्सप्लेन करूँगा मैं तुम्हें, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नैक्सट वीडियो में, इदा ही प्यार करते रहो, इदा ही वीडियोज़ में लाइक शेयर तो सबसक्राइब करते रहो चैनल, तो फिर मिलते हैं, लाइक करो शेयर करो सबसक्राइब करो, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, इंजॉय करो, सारे दे बैंड आ जाएंगे, बेफिक्रो, ते लास्ट वन नेवर गिव अप, ये दिमाग से बिठा लो, दुनिया की कोई ताकत तुम रोक नहीं सकती, वट यू वॉन्ट टू डू। ओके थैंक यू सो मच, बाय।